भले ही प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने का अपने माथहतों को खुला निर्देश दिए हुए, लेकिन माथहती अपनी सरकार की साक पर बट्टर लगाने से बाज नहीं आ रहे, जिसका ताजा उदाहरण आप उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के सराय मुबारकपुर गांव में देखने को मिला, जहां कोर्ट में विचाराधीन मामला होने के बावजूद बार बार पीड़ित अधिकारियों की चौखट पर हनुमान परिक्रमा कर अपनी आपबीती बताकर न्याय की गुहार लगा रही थी, लेकिन गुरुबख्शगंज थाना अध्यक्ष के रहमो करम से भूमाफियाओं के हौसले सातवें आसमान पर हो गए। और तो और, दबंगों को अब कानून व शासन प्रशासन का भी कोई डर नहीं रह गया। जब पीड़ित पक्ष के लोग निर्माण कार्य रोकने का अधिकारियों कर्मचारियों से बार बार लगातार आग्रह करते रहे, लेकिन किसी ने इस पीड़ित पक्ष की तरफ देखने तक का प्रयास नहीं किया। जब रात को निर्माण कार्य रुकवाने के लिए पीड़ित पक्ष स्वयं अपने बच्चों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और निर्माण को रोकने को कहा, तो दबंगों ने उसकी बेटी पर हमला कर दिया। उसे बेरहमी से इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई। परिजनों ने उसे लादकर जब थाने वो पहुंचे तो थाना अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि इसको लेकर जाओ, यहां तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं। और ये भी कहा कि अब दोबारा दिखाई पड़े तो 10 से 20 लठ मारकर अंदर कर दूंगा और गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दूंगा। कहां से आए हो आप लोग? सरानू। क्या है मामला? मामला है कि तीन भाई हैं जो है वो स्लेब डरवा रहे थे। कौन डरा रहा था? संजय सिंह। वो बुलवाए हैं गुंडा। और सुबह से थाने में फोन किया गया, दरोगा के पास, एसओ के पास, डीएम को फोन आया, डीएम के एसपी के, कोई यहाँ से सुनवाई नहीं किया मेरे लोग को। अच्छा। एक बार भी नहीं फोन कर रहे हैं, कहें हम कुछ नहीं करेंगे, काम भी नहीं रुकवाएंगे। सुबह से पैसा खा के बस काम चलाए हैं। तो आप कहाँ पर आई हैं आप? अब हम गुरुबख्शगंज में आए हैं। ये क्या है? सर मारे। किसने मारा? संजय सिंह। अच्छा। मतलब सब लोग थे वहाँ। तो अभी कार्य चल रहा है? हाँ, कार चल रहा है, कार नहीं बंद हुआ। अच्छा। कहीं जो करना हो कर लो जाके। कहाँ पे चोट लगी? सीने में। बेहोश है तुरंत।